गिरना नहीं है गिर के, संभलना ही जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना ही जिंदगी। श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आजकल का ट्रेंड चला हुआ है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मेरे भाई को डिप्रेशन हो गया है, घर में डिप्रेशन है, पैसा नहीं है, डिप्रेशन है, काम नहीं हो रहा है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, डिप्रेशन है, मेरी कहीं इज्जत नहीं है, डिप्रेशन है, मुझे तांत्रिक सिद्धियाँ क्यों नहीं मिल रही, डिप्रेशन है। तो भैया, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप अभी ट्रेंड में हो, ठीक है। क्या होता है डिप्रेशन? बहुत समय लगा था मुझे डिप्रेशन समझने में, मेरे आसपास लोग बोलते थे डिप्रेस्ड हूँ डिप्रेस्ड हूँ। पहले 1947 मतलब आज़ादी के आसपास, या फिर ऐसा बोलिए कि 1960-70s के आसपास, जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था भारत में, तो भारत और यूएस या वेस्टर्न कंट्री में एक बड़ा ज़बरदस्त अंतर था। क्या अंतर था? तो आप अगर भारत में बोलते ना कि मैं आगरा जा रहा हूँ, या बोलते कि मैं रांची जा रहा हूँ, या ऐसे एक दुक्का शहर का नाम, तो लोग पूछते थे पागल हो गए हो क्या? क्यों? क्योंकि भारत के एक दो शहर ही ऐसे थे, बहुत मतलब बहुत कम चुनिंदा शहर ऐसे थे जहाँ पर पागल खाना होता था। वहीं यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के हर शहर में मेंटल असाइलम हुआ करता था। तो वहाँ के लोग ज़्यादा पागल होते थे, ज़्यादा परेशान होते थे। 16 साल में शादी किया, 20 साल में बच्चे कर लिए, जायज़ या नाजायज़ वो बात का है। उसके बाद दूसरी शादी करी, चौथी शादी करी, पांचवी शादी करी, फिर हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं भारत में आके। अगर नहीं किया तो फिर मेंटल असाइलम में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ड्रग्स अब्यूज सेंटर्स में जा रहे हैं। उनके लिए पुरानी बात थी। ये बीमारी अब भारत में फैलने लगी है और लोग सोच सोच के डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि कहीं मैं डिप्रेस्ड तो नहीं हूँ। उसके बाद क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं। मैं तीन मंत्र आज आपको दूंगा, ठीक है? तीन मंत्र मैं आपको दूंगा जिसको जाप करने से आपका डिप्रेशन भी दूर होगा, और जिस कारण से डिप्रेशन है वो काम भी हो जाएगा। और ये तीन मंत्र जो है ना, ये सात्विक मंत्र है। उसके बाद अंत में मैं आपको महामंत्र दूंगा। मैं डिप्रेशन या अच्छे मेंटल स्टेट के लिए कोई मंत्र नहीं करता, या बोलो एक मंत्र करता हूँ, लेकिन वो सात्विक मंत्र नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है, और उसको करके मैं खुश रहता हूँ। वो मैं अंत में दूंगा, वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले समझिए डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं आपको बताऊं तो, जब किसी दूसरी एनर्जी का आपके ऊपर साया हो, मतलब आपके एनर्जी सर्कल में अगर कोई और एनर्जी आपके एनर्जी सर्कल में घुस गई हो, तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। होता क्या है कि वो एनर्जी सर्कल जो कि दुखी आत्मा है, वो आपके एनर्जी सर्कल में घुस जाती है, और उसके बाद आपको वो सोचने पे मजबूर करती है हारने का विषय, कि आप हार रहे हो, आपको मर जाना चाहिए। देखो, एक स्वस्थ इंसान, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट को देखोगे कि खुद को हार्म करते हैं, वो ब्लेड से खुद को काट लेंगे, फांसी लगा लेंगे। एक स्वस्थ इंसान को अगर आप बोलोगे ना कि लो ये ब्लेड, अब तुम एक ऐसे हाथ में कट मार लो, तो वो नहीं मारेगा, क्योंकि वो स्वस्थ है, उसको पता है ये शरीर मेरा है। लेकिन अगर वो किसी और के प्रभाव में होता है, तभी ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है? तो डिप्रेशन का दो तरीका होता है। एक तो सचमुच पजेस्ड होते हैं लोग, उनके माइंड में किसी और का थॉट्स चलता रहता है, या फिर एक इंड्यूस्ड पजेशन होता है, मतलब कि मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा ही हूँ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आपको कोई चीज़ को सोचोगे तो पूरा ब्रह्मांड एक कॉन्स्पिरेसी करता है वो आप तक लाने के लिए। तो आप सोचोगे मैं दुखी हूँ, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप वैसे ही होते जाओगे और गर्त में गिरते जाओगे, और आप हो जाओगे डिप्रेस्ड, ठीक है? तो डिप्रेशन बेसिकली यही है। चाहे तो किसी बाहरी छाया के आप पे प्रभाव हो, या फिर आपने इंड्यूस कर लिया है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो दो चीज़ें करें। सबसे पहले, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स आता है, तो अपने जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर हमेशा एक कैंडल, कैंडल ना हो तो एक दिया, ज़्यादा उत्तम होता है। 7 तेल मिला के एक दिया बनाओ, या 5 तेल मिला के एक दिया बनाओ, उसको अपने कमरे में दक्षिण की तरफ
मुख आपके तरफ हो, दिया दक्षिण के दीवार पर हो और वो 24 घंटा जलाओ। दूसरा, एक पानी भरा ग्लास अपने बेड साइड में हमेशा रखो और जब नहाओ तो उसमें एक चुटकी नमक डाल दो, ठीक है? इससे क्या होता है, और जो मंत्र जाप पूजा पाठ होता है उससे अगर बाहरी कोई शक्ति के चलते आपका डिप्रेशन होता है वो चला जाता है, ठीक है? अब सुनो मंत्र, तीन मंत्र बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले, पहला जो मंत्र है, ओम नमो अरिहंतानाम बुद्धानाम बोहयानाम स्वाहा, ठीक है? ओम नमो अरिहंतानाम बुद्धानाम बोहायानाम स्वाहा। इस मंत्र को, किसी भी विषय को आप दिमाग में सोच करके अगर 6 महीने तक जाप करोगे तो आपका जो भी चिंता का विषय है वो दूर हो जाएगा। दूसरा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम अर अरिष्ट नमो नाथाय नमः। इस मंत्र का हर रोज एक माला जाप करिएगा तो जो डिप्रेशन की तरह की चीजें हैं जो आपके मन में घूमती रहती हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, ये मंत्र मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों को मंत्रों का सहारा होता है, उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि बिना मंत्र के उनका डिप्रेशन दूर नहीं होता। लेकिन मेरा एक वीडियो है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, मैं एक रात्रि ध्यान का मैंने विधि बताया है। उस विधि से अगर आप ध्यान करेंगे हर रोज रात में, तो ये मैं आपको लिखित देता हूं कि 1 महीने बाद आप पर किसी भी डिप्रेशन का अटैक नहीं हो सकता है। लेकिन 1 महीने तक आपको वो करना होगा। पहला तो 5-7 दिन करना ही मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू कर जाते हैं तो 1 महीने बाद आपको डिप्रेशन, मतलब क्या होता है डिप्रेशन, आप पूछो होता है क्या ये डिप्रेशन। तीसरा मंत्र सुनिए। अब ये तीसरा मंत्र ये उनके लिए है जो पैसे के लिए रोते रहते हैं, पैसे के चलते जिनको डिप्रेशन होता है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। तो ओम श्रीम ह्रीम कमले कमल वाले प्रशीद श्रीम ह्रीम द्रिम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करोगे तो पैसे के निमित्त अगर आपको कोई चिंता है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है? पैसे से रिलेटेड ही सिर्फ आपका, अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या किसी और कारण से बिना कारण आपका डिप्रेशन हो रहा है तो शुरुआत के 2 मंत्र है वो करना। और अगर सिर्फ पैसा आपके डिप्रेशन का कारण है तो ये मंत्र आपके लिए बहुत ही सटीक है। अब आते हैं महामंत्र पे डिप्रेशन का। देखो, इतना टेक्निकल ज्ञान जो मैं देता हूँ खोज खोज के आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को फायदा हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल विषय है ना वो ये है कि माइंड प्रोग्रामिंग है, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है। आप अगर इस प्रोग्राम में, ये जितने भी मंत्र पढ़ते हो इसका एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से आपका दिमाग का प्रोग्रामिंग चेंज होता है और उसी हिसाब से फिर आपका दिमाग सोचता है। इसी कारण से ये मंत्र काम करते हैं। सबसे आसान और महामंत्र इसमें यह है कि आप 108 बार जब सुबह उठोगे, ये मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ, तो आप 108 बार बोलोगे और इसको जापोगे, वाह मैं कितना खुश हूँ, वाह मैं कितना प्रसन्न हूँ, वाह मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, ठीक है? कितना प्रसन्न हूँ, कितना खुश हूँ और कितना सफल हूँ। ये 108 बार आप सुबह उठते के साथ पहला काम, वाह मैं कितना खुश हूँ, वाह मैं कितना प्रसन्न हूँ, वाह मैं कितना संपन्न हूँ। यही चीज़ सोने से ठीक पहले 108 बार आप करेंगे, वाह मैं कितना प्रसन्न हूँ, वाह मैं कितना खुश हूँ, वाह मैं कितना सफल हूँ। ऐसा करके आप सुबह 108 बार और रात में सोते टाइम 108 बार, और आप बोलोगे कि वाह, मतलब 7 से 8 दिन में आपको अंतर दिखने लगेगा कि डिप्रेशन भूल जाओ, आप इतने खुश और हंसमुख रहोगे कि लोग भी बोलेंगे कि आपने क्या अंतर आ गया, ये असली आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मेरी किताब खरीद लेना अगर पढ़ना है, तो मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा नाम मिलेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का दुरुपयोग हो रहा था तो आप जैसे व्हाट्सएप करेंगे आपको पेमेंट लिंक मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेके मुझे कॉल कीजिएगा। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।